हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल महाजन क्रिएशन। आगे बढ़ो। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मेरा गली में एक बच्चा का 5 इयर्स कंप्लीट हुआ है, इसीलिए बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन पार्टी का आयोजित किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बैलून लेके बहुत ही अच्छा सजावट कर रहे हैं और आज बहुत ही इन्जॉयमेंट करेंगे शाम से लेके पूरा रात तक। और व्लॉग में जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके आप लोगों को व्लॉग कैसा लगता है मेरा ज़रूर बताइए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर एक बच्चा का जन्मदिन है और वो बच्चा का नाम है विशाल। यहाँ पे देख सकते हैं केक के ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे विशाल कुमार, तो देख सकते हैं। और चलिए बर्थडे बॉय से भी आप लोगों को मिला देते हैं और आज का मेरा लुक भी दिखा देते हैं। बर्थडे का केक कट गया है, आप लोगों का बर्थडे कब है आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइए। तो महाजन क्रिएशन का तरफ से आप लोगों को बर्थडे विश करने का एक छोटा सा मौका मिलेगा। और आज विशाल का बर्थडे में सभी लोग मौजूद हुए हैं विशाल को आशीर्वाद देने के लिए। साथों साथ यहाँ पे जो बच्ची दिखाई दे रही है ये विशाल का दीदी है और देख सकते हैं ये लोग इतना छोटा है और काफ़ी इंजॉय करते करते थक गया है, इसीलिए मुंह एकदम छोटा छोटा हो गया है। एकदम दिन से लेकर रात तक यहाँ पे इंजॉयमेंट चल रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसा मुंह बना रहे हैं। तो सभी लोग फर्स्ट टाइम मेरा देख रहे हैं क्योंकि घर के सामने मैंने कभी ब्लॉग बनाए नहीं। तो चलिए गाइस, मेरा फ्रेंड लोगों से भी मिल लीजिए। ये लोग जो है ये मेरा फ्रेंड लोग है और ये लोग भी शाम से डांस ही कर रहे हैं। मेरा रेडी होके आते आते यहाँ पे डांस चालू हो गया है, देख सकते हैं सब लोग डांस का मूड में हैं और बहुत सारा लोग यहाँ पे आए हैं विशाल का बर्थडे में। और हम लोग पूरा दिन से लेकर रात तक पूरा डांस कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, पैर थक गया है इतना डांस आज किया है। सो गाइस, मेरा फ्रेंड लोगों से तो मिला दिए हैं, बहुत सारा फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं और साथों साथ यहाँ पे घर का सामने भी मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स है और सब लोग यहाँ पे बिजी है। तो चलिए बच्चा का जो मम्मी पापा है उनसे भी मिला देते हैं और उन लोग बहुत ज़्यादा बिजी है इसीलिए फर्स्ट में आप लोगों को दिखा नहीं पाए हैं। शायद आप लोग में से बहुत लोग उन लोगों को पहचानते भी होंगे। तो ये है बच्चा का पापा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत किया बोल के हम लोग इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट आज पूरा दिन किए हैं। और ये है बच्चा का मम्मी, देख सकते दांत से ही खींच रहे हैं वो चनाचूर का पैकेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है, सब हड़बड़ी में है और रात भी काफ़ी बढ़ जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। और देख सकते यहाँ पर डांस चालू हो गया, तो चलिए डांस दिखा देते हैं। तो गाइस, मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे यूपी और बिहारी लोग ज़्यादा रहता है, इसीलिए भोजपुरी सॉन्ग ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे अभी सपना चौधरी का न्यू सॉन्ग में हम डांस कर रहे हैं। तावीज बना लूँ तने, आए रे तो छाते के लग रही है, तावीज बना लूँ तने। और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को सुना नहीं सकते क्योंकि हम ज़्यादा आप लोगों को गाना सुना देंगे तो मेरा चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे तो कॉपीराइट नहीं चाहिए गाइस। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा इतना ज़्यादा ही करके हंस रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाते हुए देख रहे हैं और मुझे भी मेरा घर के सामने ब्लॉग बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्म लग रहा था क्योंकि इन लोगों के सामने मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं और सभी लोग मेरा फ्रेंड है, वैसे वो लोगों को उतना पता भी नहीं है मैं ब्लॉग बनाती हूँ करके। और आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइए मुझे आज कैसा लग रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा रेडी होके मैं आई हूँ आज का बर्थडे पार्टी मनाने के लिए और मेरा भी सामने बर्थडे आ रहे हैं। तो आप लोग
थोड़ा एक्साइटेड रहिए और धीरे धीरे हम बताएंगे मेरा बर्थडे कब आ रहे हैं। और जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को देखने का बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बर्थडे का पहले एटलीस्ट 1K हो जाए तो मैं बर्थडे पार्टी बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ बना सकती हूँ और बहुत इंजॉय करूँगी और आप लोगों को भी बर्थडे में बुलाने का कोशिश करूँगी। मुझे मिल गया है फ्रूटी और इतना खाना, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंतजाम है। जगह काफ़ी शॉर्ट है और शॉर्ट जगह में हम लोगों को डांस करना पड़ रहा है साथों साथ। चुन्नी में परफ्यूम लगाओ चुन्नी में, तो मिट्टी फोड़ने वाला डांस हम लोग किया है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट किया है। पर फिर भी डांस करने का बाद थोड़ा सा मन नहीं भरा है, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत शॉर्ट है और बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को डीजे बंद भी करना पड़ा, क्योंकि गोवा में आप लोगों को पता ही है गाइस, गोवा में बहुत तेज़ी आवाज़ में गाना चलाना अलाउ नहीं है। तो 8:30 बजे तक हम लोग डांस किए हैं। गाइस, मेरे साथ जिनको वीडियो में डांस करते हुए आप लोग देख रहे हैं, ये भैया छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ का डांस हम लोग कर रहे हैं। जादू तो ही कसन करे गली रे, हमको दीवाना करे गली रे। मुझे तो ये लैंग्वेज उतना समझ में नहीं आता है, फिर भी समझ के करने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे डांस से मतलब गाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन सा भी गाना चला दे तो हम डांस कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इंजॉय बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, पर पीछे थोड़ा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा आज इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे ये भैया ने पूरा शाम से लेके खाना बनाया, 50-60 लोगों का खाना बन गया है आज। तो चलिए खाना खाते खाते आप लोगों से बात करते हैं और पूरा ब्लॉग देखते रहो आप लोग। सो गाइस, अभी हम खा रहे हैं बिरयानी और चिकन का पीस, मस्त हुआ है खाना, एकदम सुपर। यहाँ का इनायो में काम करता है शेफ ने खाना बनाया है, शेफ को भी अभी दिखा रहे हैं। और ऑलरेडी 50 लोगों का खाना का इंतजाम किया हुआ है, ऑलरेडी 40 लोगों का खाना हो गया, लास्ट बैच हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे 10 लोग खा रहे हैं तो दिखा रहे हैं आगे। तो गाइस, हिंदी में एक कहावत है, जिसका मन अच्छा है उसका घर का खाना भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इसीलिए इन लोगों ने बर्थडे ऑर्गेनाइज किया है और जो भैया ने खाना बनाया है अपना 100% देके खाना बनाया है, इसीलिए इतना टेस्टी बना है। गोवा में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा बिरयानी मैं खा रही हूँ, और 3 बार लेके बिरयानी मैं कभी नहीं खाया, क्योंकि बिरयानी थोड़ा बहुत रिच होता है, मुझे उतना रिच खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं घर का खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पर बिरयानी इस लेवल का टेस्ट हो गया है, मुझे मन नहीं कर रहा था मैं खाना थोड़ा सा भी मिस करूँ। मैं ठूस ठूस के खा लिया, फिर देखा जाएगा क्या होगा। मैं और मेरा भैया बस बैठ गया आराम से और खाते ही जा रहा है। तो जो खाना बनाया है उससे भी मिला देते, तो आप लोग देख लो अगर इनसे खाना बनाना है तो। आगे सेब हमारा बीच में आ गए खाना खाने के लिए, और उधर एक भैया भी आया है खाना खा रहे हैं। बिरयानी खा के कैसा लगा आपको? मस्त लगा। जोर से बोलो, मस्त लगा। बिरयानी खा के कैसा लगा? अच्छा लगा। तो हमको भी अच्छा लगा, और देख सकते हैं हम पेट ठंडा करने के लिए अभी रायता पी रहे हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। जो लोग बर्थडे ऑर्गेनाइज किया है उन लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। आप लोगों का बर्थडे में अगर ये भैया से खाना बनाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट पे बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइए, चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही व्लॉग पाने के लिए। और हम लोग बर्थडे में तो बहुत इंजॉय किए ही हैं, आप लोगों का बर्थडे में भी हम लोगों को बुलाएंगे तो इससे भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। चलिए, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।